वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज डेट है 23 फरवरी और टाइम हुआ है शाम के 7 बजे हैं। तो यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ और आज डिनर में फरमाइश हुई है पनीर की सब्ज़ी और पराठे की। तो बस मैं सब्जियों के मसाले जो है, मतलब कि कुछ सब्जियों के मसाले मैं रेडीमेड रखती हूँ घर पे ही, क्योंकि ऐसे इमरजेंसी कोई सब्जी की ऐसे फरमाइश आ जाती है तो मुझे इजी रहता है सब्जी बनाने में। तो इसलिए कुछ सब्जियों के जो मसाले हैं वो मैं घर पे ही रखती हूँ। और यहाँ पे जान से देख रही हैं और उसको ऐसा था कि मैं बना लूँ, पर अभी वो ऐसे कामों में बहुत छोटी हैं तो मैंने उसको मना किया। तो उसके बाद दिव्या आए, तो दिव्या तो बोल रहा था कि आज सब्जी का तड़का सब कुछ मैं लगाऊंगी, तो फिर मैंने उसको भी मना किया था, फिर भी वो नहीं माना। उसको कुकिंग का थोड़ा बहुत शौक है कि ये मैं बना सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रही थी वैसे वैसे वो कर रहा था। और यहाँ पे तुलसी देखो हाथ दिखा रही है, और फिर दिव्या चला गया। मैंने बोला चलो अब मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे एक तरफ मैं पराठे भी बनाती हूँ और एक तरफ मेरी सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि चलो आप डिनर के लिए बैठ जाओ। और हमारे घर पे ऐसा ही होता है कि एक तरफ मैं रोटी या पराठे बनाती हूँ तो एक तरफ सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को गरम गरम पराठे या रोटी चाहिए। थोड़ी सी भी ठंडी हो जाती है तो ये लोग पसंद नहीं करते रोटी या पराठे खाना। तो देखो ये लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं खाना। और चलिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा डिनर हो गया है और डिनर करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। ये झांसी के लिए मैं बना रही हूँ फैब्रिक का कटलरी बॉक्स, क्योंकि झांसी की फरमाइश थी कि मम्मी मुझे अलग से मेरी कटलरी रखनी है, इसलिए मुझे कटलरी बॉक्स आप सिल कर दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो सिल देते हैं। और ये सब कुछ मैं ऐसे यूट्यूब पर देख देख कर ऐसे थोड़ा बहुत तो सिल लेती हूँ। वैसे मुझे परफेक्ट तो नहीं आता है, पर हाँ बनता है, अच्छा बनता है तो। और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे सब कुछ बनाना, कुछ ना कुछ नया बनाना। और इस तरह से ये मैंने पहली बार बनाया है तो कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा बने। और सच में अगर कोई चीज़ आपको आती ना हो और पहली बार आप बनाओ ना तो उसमें टाइम बहुत जाता है, तो इसमें मेरा टाइम बहुत गया है सच में। एक दो बार तो उल्टी ऐसे सिलाई लग जाती है तो आपको निकालना भी पड़ता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पर जब वो अच्छा बनता है ना तब बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि मुझे अच्छे से अच्छा कटलरी बॉक्स झांसी को बना कर देना है, तो बस वही कर रही हूँ। और तुलसी भी बोल रही थी कि मुझे भी आप ऐसे कटलरी बॉक्स सील कर दो, तो मैंने बस इसी तरह सबको मैंने ऐसे कटलरी बॉक्स सील कर दिए थे, पर पता नहीं किसी के पास है या किसी के पास नहीं है। और मेरे पास सच में टाइम भी नहीं था तो मैंने बोला कि तू थोड़ी बड़ी हो जा, उसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ा अच्छा वाला तुझे मैं कटलरी बॉक्स सील कर दूंगी। पर अभी फ़िलहाल मेरे घर में एक और पड़ा है ऐसे छोटा वाला बॉक्स, तो मैं उसको वहीं दे दूंगी। तो देखिए रेडी हो गया है मेरा कटलरी बॉक्स। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग। और रात के बजे हैं 10:45 और 10:45 बजे तक मैं यहाँ पे काम कर रही थी, कटलरी बॉक्स सिल रही थी, मतलब कि ज्वेलरी बॉक्स जो झांसी के लिए उसको कटलरी रखनी थी इसलिए, तो उसके लिए मैंने सिला है। और एक तुलसी को तो मैंने सिला हुआ ही छोटा दिया है। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने कटलरी बॉक्स कैसे सिला है। मैं सब कुछ यूट्यूब पर देख देख कर ऐसे सिल लेती हूँ, ऐसे मैंने कोई क्लास नहीं किया है, पर मुझे आता है। तो बहुत टाइम बाद ऐसे मैं आज बैठी थी कटलरी बॉक्स सिलने के लिए, तो 19-20 तो हुआ है पर बहुत अच्छा हुआ है। तो चलो मैं दिखा दूँ आपको। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे पाउच बनाए हैं छोटे छोटे, और मैंने दोरी वाले पाउच इसलिए बनाए हैं ताकि मेरे पास जीप नहीं थी ज़्यादा, तो फिर मैंने इस तरह से पाउच बना दिए हैं छोटे छोटे से, तो 5 बनाए हैं। और इसके अंदर, इस पाउच के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, इयररिंग्स रख सकते हो, नेकलेस रख सकते हो, बेंगल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाए हैं। तो चलिए इसके अंदर अब ज्वेलरी नहीं कटलरी भरते हैं, ये झांसी के लिए बनाए हैं तो इसके अंदर कटलरी रख देते हैं।
देखिए ये भी कटलरी लेकर बैठी है। ये मैंने कल लिया था, कटलरी वाला आया था तब मैंने थोड़ी जानसी के लिए ले ली थी और थोड़ी तुलसी के लिए ली थी। तो देखिए कितना सुंदर है। और वो बोल रही थी कि मेरे पास बुआ कटलरी नहीं है तो आप ला दो, तो मैंने बोला ठीक है चलो ला देती हूँ। देखिए ये सारी कल मैंने इसको ला दी है, नेल पॉलिश और लिपस्टिक तो मैंने NY की इसको दी है। वो बोल रही थी मेरे पास नेल पॉलिश नहीं है, लिपस्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं चलो मैं तुम्हें ला देती हूँ। फिर बोली चलो एक पाउच भी बुआ बना दो, तो मेरे पास ऐसे टाइम नहीं था, मैंने पहले भी इन सबको पाउच बना कर दिया था पर छोटा सा पाउच है। लाई चलो पाउच लाई, तो ये छोटा सा पाउच है, ये भी मैंने बनाया था। देखिए जब मैं सीख रही थी ना तो ये बॉक्स मैंने बनाया था घर पे, तो फिर मैं बोली चलो इसके अंदर तुम्हें सब कुछ कटलरी में भर के देती हूँ। कि ये मैंने जानसी के लिए लिया था ये कलर का, जैसे तुलसी का मैंने रेड कलर का लिया था तो जानसी के लिए ये दूसरा वाला पीच कलर का ले लिया था मैंने। तो चलिए जानसी की कटलरी भर लेते हैं। ये वाली बेंगल आपको शायद याद होगी, ये मैंने मीशो से बाई की थी झांसी के लिए, बहुत अच्छी बेंगल है। देखिए ये हेयर बैंड झांसी के लिए लिया था और तुलसी का जो कलर है वो रेड कलर है। देखिए तो अब बारी आती है तुलसी मैडम की, तो उसकी कटलरी भरते हैं अब। तो फ्रेंड्स बस अब सोने की तैयारी हो रही है, तो उससे पहले हेयर मसाज हो रहा है। तो चलिए ये लोग कैसी मस्ती करते हैं आज मैं लाइव दिखाती हूँ आपको। तो देखा ना फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं, तो बस पूरा दिन इन लोगों का यही चलता रहता है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।